अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अभी हम फूड ट्रैक बनाने लगे थे और हमने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करते हैं कि फूड ट्रैक वाला किस तरह से बना रहे हैं। तो चले सबसे पहले हम उसका केक बनाएंगे घर में ही, उसके बाद कस्टर्ड बनाते हैं, बाकी फ्रूट की कटिंग करते हैं। तो आपके साथ शेयर करते हैं कि आप किस तरह से बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं फ्रूट ट्राइफल, तो उसके लिए पहले हम बना लेंगे प्लेन केक। तो मैंने 3 अंडे ले लिए हैं और साथ में मैंने ये इतनी 3/4 कप शुगर ली है। आप चाहें तो इसे 1 कप भी ले सकते हैं। तो 1 कप अगर डालें तो उससे जो प्रॉपर मीठा केक होता है वो बनता है, लेकिन 3/4 कप से नॉर्मल थोड़ा होता है। तो इसे मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। इसमें मैं 1 कप अब ऑयल डाल लूँगी, बहुत अच्छे से अंडे और जो शुगर है मिक्स हो गया था, बीट हो गया था, तो अब मैंने इसमें ऑयल डाला है ये 1 कप। चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, तो अपनी मर्जी है। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। अब इसमें ये वनीला एसेंस डाल देंगे थोड़ा सा और इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से जो है ये सारा जो लिक्विड मिक्सचर है ये रेडी है। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रीडियंट्स डालूंगी। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप मैदा और इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डाला है और मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और फोल्ड करेंगे स्पैचुला से। ये मैं इसमें थोड़ा सा डाल लूँगी, इसको मैं निकाल दूँगी अब बाहर और ये थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और फोल्ड करती जाऊँगी मैं। बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे इस मोल्ड में डाल लूँगी और इसे बेक करेंगे 175 पे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए। ये जो है बेसिक प्लेन केक की रेसिपी है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो मैंने वनीला एसेंस डाला था उसकी जगह आप इलायची का एसेंस भी डाल सकते हैं और इसके अंदर थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी आप डाल सकते हैं। लाइक ये जो बेसिक केक की रेसिपी है इसके अंदर आप डिफरेंट फ्लेवर्स वगैरह डाल के इसको डिफरेंट तरीक़ों से बना सकते हैं। चाहें तो थोड़े से आप इसमें बादाम वगैरह भी डाल के ड्राई फ्रूट्स वाला भी बना सकते हैं। तो कुछ भी आप इस पर अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल जो है मैंने इसमें ऐड मोल्ड में डाल लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा टैप करूँगी ताकि इसमें से एयर बबल्स जो हैं वो निकल जाएं। और अब मैं इसे ओवन में रख दूँगी। ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका है, तो अब मैं केक को अंदर रख दूँगी। केक जो है वो हमारा ऑलमोस्ट बेक हुआ है 35 मिनट्स में और बहुत अच्छा सा बेक हो गया। अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो ये देखें परफेक्टली बेक हुआ है। तो इसका जो ट्राइफल है वो हमने कल बनाना है, इसको हमने बेक आज कर लिया है क्योंकि ये भी ठंडा होगा, ट्राइफल का जो कस्टर्ड है वो भी ठंडा होना है। तो अगर आज ही वो बनता तो वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता। अभी ये बहुत गर्म है तो मैं इसे रैक पर निकाल लूँगी ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। फूड ट्राइफल बनाने के लिए केक जो है वो बनाकर रख दिया ठंडा होने के लिए और ये फुल फैट मिल्क जो है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 लीटर दूध जो है वो डालेंगे। अब हम इसमें चमचम सॉल्ट वर्ष चलाएंगे क्योंकि यहाँ पे दूध नीचे लगना है, तो उससे बचने के लिए सॉल्ट चमचा चलाते रहेंगे। और हम इसके लिए जो कस्टर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो पिस्ता फ्लेवर है, आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी इस्तेमाल कर लें। इसके लिए हमने साथ जेली ली है मैंगो वाली और स्ट्रॉबेरी वाली, तो ये दो जेलीज जो है उसका इस्तेमाल करेंगे और केला सेब और अंगूर फ्रूट में से। तो आप अपनी पसंद के हिसाब से जेली जो है वो और फ्रूट्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही ये दूध उबल रहा है, हमने अलहदा से ये दूध लिया ठंडा दूध। इसमें हम 2 टेबल स्पून कस्टर्ड जो है वो घोल लेते हैं क्योंकि कस्टर्ड जो है वो हमेशा ठंडे दूध में ही घोला जाता है। दूध जो है वो बॉयल होने के करीब हम इसके अंदर 3 चम्मच जो हैं खाने के ये चीनी के डाल लेंगे। दूध जो है वो अच्छे से उबल गया है, थोड़ा पकाया भी है ताकि ये थोड़ा गाढ़ा सा हो जाए। पहले भी गाढ़ा ही था क्योंकि रेड मिल्क लिया है। अब हमने ये कस्टर्ड जो है वो घोल के रखा हुआ है, ये कस्टर्ड जो है इसे शामिल करते हैं। थोड़े से मेवे जो हैं वो डाल देते हैं इसके अंदर
कस्टर्ड जो है इसे उबलते हुए दोबारा से तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और ये देखेंगे नीचे भी लग रहा है, इसको इसीलिए साथ साथ हला रहे हैं। तो ये कस्टर्ड थोड़ा पतला है क्योंकि ये फूड ट्राइफल के लिए है, केक भी जाएगा इसके अंदर और फ्रूट्स भी होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा पतला ही रखा जाता है। इतनी में हमने जो जेली बनानी है उसका पानी भी हमने केटल में लगाया हुआ है, उसे देखते हैं और जेली बनाते हैं। ये हमने थोड़ी सी गहरी प्लेट जो है ये ली है जेली बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास 2 रंग की जेली, तो 2 प्लेट्स ले रहे हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये अच्छे से हल हो गई है। हमने इसमें ये जो राइस कुकर वाला कप है 160 ml का, ये 2 कप जो है वो डाले हैं पानी के, क्योंकि जो पैकेट है उस पर तो लिखा हुआ था 350 ml, तो वो बहुत ज़्यादा लग रहा था तो हमने कम डाला है। अब हम इसमें भी पानी डाल लेंगे और इसे मिक्स करते हैं। बाकी पानी भी जाएगा लेकिन थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद। अब हम इन्हें यहीं पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी सी ठंडी होंगी तो फ्रिज में रख दें या बेशक बाहर ही पड़ी रहे और ये जम जाएगी इंशाल्लाह। सब चीज़ें जो है फूड ट्राइफल की हमने बाहर ला कर रख ली हैं, क्योंकि मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो इसलिए सोचा कि काम भी करना है और मौसम को भी इंजॉय करना है, तो इसलिए हम यहाँ बैठ कर फूड ट्राइफल जो है इसको असम्बल करते हैं। और धूप देखें, पाकिस्तान में ऐसे कि धूप निकलती थी रमज़ान में तो ये होता था कि रोज़ा मुश्किल होगा, लेकिन जब यहाँ पर इस तरह की धूप निकली हुई है तो इसे इंजॉय कर रहे हैं कि साथ साथ काम भी करें और साथ साथ मौसम को इंजॉय करें धूप में बैठे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और ये जेली ला कर रखी, जेली जो है वो भी अच्छे से सेट हो गई है, ये बिल्कुल मूव नहीं कर रही। तो इस तरह से ये दोनों जेलीज हैं, इनको भी हम काट लेते हैं। सबसे पहले इसे काट लेते हैं। सबसे पहले हम नीचे थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे। ये सेब और केला हम इसलिए नहीं काटा क्योंकि ये काले हो जाते हैं, तो ये साथ साथ ही हम काट काट इसमें डालेंगे। थोड़ा सा हम कस्टर्ड नीचे डाल लेते हैं। कुछ लोग तो डायरेक्ट ही केक डालते हैं लेकिन केक थोड़ा सा नीचे से भी सॉफ्ट हो जाता है, तो अब हम इसके अंदर ये केक डाल देंगे। ये 2-2 टुकड़े किए हैं दरमियान से। फूड ट्राइफल जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब ऊपर से कवर कर देंगे ताकि ऊपर एक भलाई सी बन जाती कस्टर्ड की, वो ना बने। उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। शुक्रिया।